सो कैसे हम सब लोग, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो गाइज आज है हमारा लास्ट डे जयपुर में, इनफैक्ट आज हमारा लास्ट डे है ट्रिप का। और आज हम लोग जाने वाले हैं जो बाकी की हमारी साइट सीइंग बची हुई उसको करने। तो चार पांच जगह हम लोग जाने वाले हैं, हवा महल, सिटी पैलेस और दो तीन जगह और हैं। तो हाँ, ऑलमोस्ट सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। चेकआउट करके होटल से हम लोग निकलने वाले हैं घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग फिर वहीं से घूम घूम के स्टेशन चले जाएंगे, और क्योंकि हमारी रात में यहाँ से 9:30 बजे की ट्रेन है। तो हाँ, फटाफट निकलते हैं घूमने के लिए। तो भाई आज हम लोग का लास्ट डे और हम निकल चुके हैं घूमने, और हम लोग जाएंगे आज हवा महल वगैरह। और भैया के साथ काफ़ी मज़ा आया, भैया ने मतलब बहुत अच्छे से घुमाया हम लोग को। और भैया का नाम हेमराज है। तो अगर आप लोग जयपुर आ रहे हो या राजस्थान में कहीं पर भी आ रहे हो, तो मैं स्क्रीन पे भैया का नंबर दे रहा हूँ, आप लोग इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और भैया बाकी आप बताइए। वेलकम टू राजस्थान टूर, एंड राजस्थान में आमेरपुर, नारगढ़, जयगढ़, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, महाराजा जय सिंह जी की स्टोरी है। ये 75-89 में बना हुआ था, जिसकी नींव रखी थी मान सिंह जी ने। और अपन साले सामने स्टैचू सर किले, जो राजाओं ने 1-10 तक की गिनती इन्होंने स्टार्ट की थी, 1-10 तक की गिनती इन्होंने बोली थी। ये देखो, कभी भी सर्विस चाहिए होटल की हो, गाड़ी की हो, राजस्थान में कहीं भी एनी टाइम 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। मतलब बस जयपुर नहीं है, जयपुर के अलावा बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, माउंट आबू है, चित्तौड़ है। तो मतलब अगर आप राजस्थान में कहीं पे भी अगर आपको आना है, तो आप भैया को कॉन्टैक्ट कर लो, आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इसके पहले की जो आपने क्लिप देखी वो थी सिटी पैलेस की, लेकिन यार आज संडे है तो सिटी पैलेस बंद था। तो हम लोग आए हैं हवा महल, हमें जस्ट पीछे है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं हवा महल, घूमते हैं हम लोग। तो भाई अपना थोड़ा बुरा वाला कट चुका है, आज संडे है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद हैं। और हम लोग हवा महल भी आए, ये भी बंद है, इसके पहले सिटी पैलेस गए हैं वो भी बंद था, और अब शायद एक दो जगह और बची थी मोस्ट प्रोबेबली, वो भी शायद बंद ही होंगी। तो यार अब देखना पड़ेगा कि क्या, आज हम लोग का लास्ट डे था जयपुर में, तो आज कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर टाइम स्पेंड करें हम लोग। भाई अभी हम लोग आए हैं हवा महल से पत्रिका गेट, और यार यहाँ सब कुछ बंद है, संडे इसलिए पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। बस जहाँ भी घूम रहे हम लोग बाहर बाहर से घूम रहे हैं, और अभी बारिश भी शुरू हो गई है, तो चलते हैं थोड़ा ऊपर। वैसे लोकेशन काफ़ी अच्छा है फोटोशूट वगैरह के लिए भी, तो चलते हैं ऊपर और थोड़ा फोटोशूट वगैरह करते हैं, और फिर देखते हैं कि यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे। तो भाई अभी हम लोग आए हैं विधानसभा के पास, मेरे ठीक पीछे यहाँ पर जो है ये है सवाई मानसिंह स्टेडियम। हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा मैचेस देखे होंगे, और यार इसकी मतलब किस्मत अच्छी कहो या बुरी कहो कि हम लोग राजस्थान आए, और राजस्थान में यहाँ जयपुर में हम लोग को बारिश मिल गई। तो अब पता नहीं कैसे किस्मत है, लेकिन एक तरह से देखो तो संडे है, और एक किस्मत हम लोग की ख़राब भी है कि कुछ भी खुला नहीं है, हम लोग जो भी घूम रहे हैं सब कुछ बाहर बाहर से घूम रहे हैं। और बस यहाँ पर आए, थोड़े फ़ोटो वोटो खींचे हम लोग ने, और अब देखते हैं अब क्या करते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस वाले ब्लॉग में सब सारी चीज़ें तो दिखाऊंगा बढ़िया से, हवा महल वगैरह, लेकिन यार सारी मूड ख़राब हो गया बिल्कुल। वैसे ये पीछे इधर है सवाई मानसिंह स्टेडियम, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे मैचेस होते हैं यहाँ पे। और इस तरफ मेरे ये जो यहाँ पर है इधर, इसके पीछे जस्ट पीछे विधानसभा है राजस्थान का, तो बस यही है यहाँ पे।
और बाकी देखते हैं कि यहाँ से हम लोग कहाँ जाते हैं। वैसे हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ से वो रात में 9 बजे है और अभी फिलहाल 5 बज रहे हैं। हम लोग के पास अभी ऑलमोस्ट 4 घंटे हैं, तो अब देखते हैं हम लोग 4 घंटे कहाँ स्पेंड करेंगे। वैसे जो पत्रिका गेट था वहाँ पर काफ़ी अच्छा शूट हुआ और उसके बाद से हम लोग वहाँ पर बारिश हो रही हो गई तो हम लोग निकल गए वैसे भी। और वैसे भी कार बारिश में कार से आने बहुत मज़ा आता है, तो अब देखते हैं कि इस यहाँ से के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं। ये देखो भाई, ये है सवाई मानसिंह स्टेडियम। Later that same evening. तो भाई हम लोग जयपुर से निकल चुके हैं और अभी हम लोग रास्ते में और हम लोग यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं क्योंकि जयपुर से डायरेक्ट गोरखपुर ट्रेन नहीं जाती है। और लखनऊ हम लोग कल सुबह 11 बजे तक पहुँच जाएंगे और हमारी वहाँ से ट्रेन है रात में 4 बजे गोरखपुर के लिए। और हो सकता है कि हम लोग बड़ा इमामबाड़ा जाएँ घूमने, क्योंकि मेरे जो बाकी 3 फ्रेंड्स हैं वो लोग नहीं गए हैं, मैं तो जा चुका हूँ एक बार। तो देखते हैं अब क्या सीन होता है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर ऐसा लगा कि हाँ लेट नहीं होगा वहाँ जाने के बाद, तो हम लोग वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। फिलहाल अभी जाते हैं, सोते हैं, सुबह उठ के पहुँचते हैं वहाँ लखनऊ, फिर वहाँ थोड़ा बहुत घूमते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं अपने घर होम टाउन गोरखपुर के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग। Later that same evening. तो भाई हम लोग गोरखपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ ख़त्म होती है हमारी ट्रिप और देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की बनती है। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो और हमारा ट्रिप पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और कमेंट ज़रूर करना कि आपको मतलब ये वाला ट्रिप कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि मुझे नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए। और गाइस, शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो चलूँगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। सो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।